अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भारत माता की, अभी भी आवाज कम है। भारत माता की, वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के विधायक और संसद ने बहुत अच्छी तरह विकसित भारत और केंद्र सरकार आज आपके गांव में आई है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। मैं करीब करीब 10 जगह विकसित भारत यात्रा में जाते आया है। यहाँ विकसित भारत में मैंने नया देखा है कि पेड़ पर बैठकर भी वो के सुन रहे हैं। रास्ते में आते आते हैं, कई लोगों ने मेरा फुलहार से स्वागत किया और नेचुरली भी रास्ते पे फूलों के छोटे छोटे पेड़ भी नहीं देख के आया। आप सबको बहुत बहुत बधाई के पात्र है। आप इस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित सांसद महेंद्र सोलंकी जी, विधायक संकट श्री राजेश शंकर जी, विधायक हाथ पिपलिया मनोज चौधरी जी, विधायक बागली मुरारी भवरा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती लीलाबाई बेलूरन जी, डीडीए अध्यक्ष राजेश यादव जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत श्री कृष्णा जी, सरपंच श्रीमती मधु दावर जी, उपस्थित सभी अधिकारी मित्रों, कर्मचारी भाई बहनों, उपस्थित महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, यहाँ मध्य प्रदेश की भी बात स्क्रीन पर देखी। मैं समझता हूँ मेरे जैसे उम्र वाले जो भी लोग होंगे, ऐसी यात्रा मेरे जीवन में तो मैंने नहीं देखी। आपने भी पहली बार देखा होगा, नहीं तो सरकार की योजना के लिए 2-4 महीना घूमते रहने पड़ता है अर्जी लेकर, कोई योजना का लाभ लेना है तो बाद में 3-4-5 महीने में मालूम पड़ता है कि आपका हितग्राही में नाम आया है। आपके मन में जो भारत कैसे आगे बढ़ सकता है उसमें सोच है, और सोच लिखकर भी यहाँ कलेक्टर को दो, सीओ को दो, कमिश्नर को दो, ऐसे करके हम सब मिलकर सबका प्रयास के साथ हम विकसित भारत 2047 में जब ये 100 साल पूरा होगा भारत में, तभी हम पूर्ण विकसित भारत देख सकेंगे और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम लाभ दे सके, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। मगर बोलने की हिम्मत में आ गई, अच्छी तरह घर चला सकती है ऐसा उसने बोला। आपको मालूम होगा कि अभी 4-5 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा कर रहे थे, आपके ही डिस्ट्रिक्ट के देवास की एक रुबिया दीदी, देखा है किसने रुबिया दीदी को, देखा है ना, और रुबिया दीदी से संवाद कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, और बेटी बोल रही थी कि कैसा तुमने क्या व्यवसाय शुरू किया, तो उन्हें बोला कि मैं 5,000 रुपया लेकर कपड़े बेचने का शुरू मैंने किया।
मेरा कारोबार थोड़ा बड़ा तो मैं अभी साइकिल पे बेचती हूँ, और बाद में मैंने 50,000 रुपया की लोन लिया है और अभी मारुति वैन पुरानी मैंने लिया है। तो मोदी जी ने हंसते हंसते बोला, बेटा मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और तेरे पास तो वाहन है भाई। ये क्या है महिला सशक्तिकरण? देखो कैसे ऐसे गरीब परिवार कैसे अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप से अपना परिवार अच्छी तरह चला रहे हैं, बच्चे को अच्छी तरह पढ़ा रही है। ये कैसा जादू देखो। एक उज्ज्वला योजना है, बहुत से बहने पड़ी बैठी है इसलिए मैं कह रहा हूं, उनका नाम हो रहा है, मैं समझता हूं ये सब भगी वो की दुआ जो है ना उससे भी हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूं। दुआ बहुत बड़ी चीज है और गरीब की दुआ। मैं कई आवासों में गया हूं, यह आवास वाला भाई जो बोलता था तभी मैं कहता था, मैं कई आवासों में गया हूं, ट्राइबल के घर में गया हूं, एसी के घर में गया हूं, उनके साथ भोजन किया, उसको इतना आनंद। मैं मुखिया को पूछता था कि भैया कैसा लगता है, तो सामने से मुखिया बोलता, सारी जिंदगी हमारी चली गई मगर मेरा परिवार को मैं पक्का मकान नहीं दे पाया, मगर ये मोदी जी आए आज मेरा परिवार से ये पक्के मकान में रहकर मेरे को बहुत आनंद है कि मरते मरते मेरे परिवार को मैं अच्छा पक्का मकान मोदी जी द्वारा मेरे को मिला है, उसमें मेरे को बहुत आनंद है। अभी मेरे को कोई डर नहीं लगता क्योंकि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक सदस्य बन गई। कई महिला हमारे साथ में है, उसमें से हमको महिला सशक्तिकरण हिम्मत आ गई। अभी मैं अकेली कहां भी जाती हूँ, क्या विश्वास आत्मनिर्भर आत्मविश्वास आ गया वो देखो। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आमदनी तो आई, आवक तो आया, वो बोल रही थी मैं करीब करीब उनको 2 करोड़ का लोन मिला, 2 करोड़ का लोन मिलना एक कितनी बड़ी बात है। ऐसे से चूल्हे पे बनाए लकड़ी से बनाना, और ऐसी करीब बारिश में जो लकड़ी भीग गई उसको जलाना, कितना समय जाता था, कितना धुआं निकलता था, और माँ बेटी पत्नी का इतना धुआं। और खाती थी, ऐसा बोला जाता है कि एक बार रसोई करो तो 60 सिगरेट की जितना धुआं है वो पेट में, माँ के पेट में जाता था, बहन के पेट में जाता था, पत्नी के पेट में जाता था। देखो ये प्राइम मिनिस्टर कैसी कैसी योजना लाई है, देखो कहां से निकली योजना, गरीब आई में से निकली, वो पसार हुए हैं इसमें से, क्या क्या गरीबों को दिक्कत होती है उसको सब मालूम है, मगर ऊपर बैठकर सब योजना आज बना रहे हैं। आवास की बात हुई, जो कच्चे घर में रहे हैं उसको मालूम पड़ता है जब ऊपर से बारिश आता है, छोटे छोटे बच्चे को कैसे संभालना, रात को कैसी वो जिंदगी रहती है परिवार की, गरीब परिवार की आप कल्पना नहीं कर सकते, उसमें जो रहा है उसको मालूम पड़ता है। ये सूज है ना, और नए नए पहनते तो चुभता है, तो दूसरे को मालूम नहीं पड़ता कि सूज कितना चुभता है। ऐसे गरीबों की परिस्थिति थी, मगर और गरीबों को बाहर निकाल कर आज जो सारे देश में जो योजना चल रही है उसके लिए मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को जो सोच है गरीबों के लिए और उस भारत को जो